प्रेज़िला यीशु मसीह के बबरकत नाम में आप सबों को इस वक्त हमें फ़जल टेलीविजन के ऊपर देख रहे हैं पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फ़ॉर ऑल में खुश आमदीद कहता हूँ खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए जिसके वसीला से आप खुदा उनके फजल और उसकी बरकत को जो है वह अपनी जिंदगीों के अंदर हासिल कर रहे हैं और खुदा उनका नाम आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पा रहा है और खुदांद आपको तरक्की की तरफ है वो लेकर चल रहा है क्योंकि ये उसकी है कि आप अपने तमाम फजल को बरकत को सरफराजी को जो वो हासिल करें और उसका नाम आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो इज्जत और जलाल जो है वो पाएल डे so, आप सभी जानते हैं कि आज फर्स्ट जनवरी है न्यू ईयर है सो so, हम आपको ग्रेस फॉर ऑल की तरफ से और फजल टेलीविजन की तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक कहते हैं और दुआगो है कि साल आपके लिए बरकत का सरफराजी का सलामती का साल और खुदांद का नाम आपकी ज़िंदियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए और पूरी दुनिया जो है वो आज इस नए साल को ट्वेंटी ट्वेंटी टू को जो है वो वेलकम कर रहे हैं खुशियाँ मना रहे हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं खुदांद की शुक्रगुजारी कर रहे हैं कि खुदावंद ने हमारी जिंदगी के अंदर आज का दिन बख्शा है ताकि हम ट्वेंटी ट्वेंटी टू के अंदर जो है वह दाखिल हों और उसके नाम को और जलाल जो है वह दें ये बड़ी ही शादमानी कामयाबी और ख़ुशी की बात है चंद दिन पहले आपने क्रिसमस को भी सेलिब्रेट किया यीशु मसीह को जो है वो आपने वेलकम किया कि वो इस ज़मीन के ऊपर आया और अब हम नया साल जो है वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और जश्न मना रहे हैं और ख़ुशियाँ मना रहे हैं कि खुदा ने हमें ये साल जो है वो अता किया है ये बड़ी ही खुशी और की बात है और आज हम आपके सामने एक स्पेशल प्रोग्राम न्यू ईयर स्पेशल प्रोग्राम जो है वो लेकर आए हैं ताकि आप अपने नए साल के पहले दिन से ही खुदा के फजल और उसकी बरकत को जो है वो हासिल करें और खुदा का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए आज हमारे साथ स्टूडियो में बड़े ही मंजे हुए खादम जिन्हें खुदा ने बड़ी बरकत बख्शी है अपनी फील्ड के अंदर अपना बेस्ट जो है वो खुदा उनकी नज़र कर रहे हैं ताकि खुदा उनकी कलीसिया जो है ईमानदार जो हैं उनकी खदमत के वसीला से और जो पाकरू ने उनके टैलेंट तोड़े बख्शे हैं उसके वसीला से पूरी कलिसिया को जो है वो इग्नाइट कर सकें उन्हें मोटिवेट कर सके कि हमें मसीह के साथ किस तरह से जो है वो चलना है अपने मामलों के अंदर रूहानी रहनुमाई को किस तरह से हासिल करना है ताकि हम उन मकासद को जो हमारी जिंदगी के अंदर हैं कलाम की रहनुमाई के अंदर जो है वो हासिल कर सकें और खुदा उनका नाम हमारी जिंदगी के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए जी हाँ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वंत के खादम एफ जी ए चर्च से पास्टर मॉरिस बशीर साहब सोपाई साहब हम आपको वेलकम करते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में थैंक यू सो मच प्रेज द लॉर्ड हाल और नाजरीन इसी तरह हमारे साथ जो है वो खुदा उनके खादम मौजूद हैं आप सभी उन्हें जानते हैं खुदा उनकी खिदमत कर रहे हैं पास्टर अशरफ जे डी साहब सो पाई साहब हम आपको भी आज के स्पेशल एपिसोड में वेलकम कर so, और नाजरीन हमने दोनों खादम को आपकी रहनुमाई के लिए आज मद्दू किया है ताकि साल के पहले दिन ही hmm. आप कलाम में से ऐसी बातों को सुने जो आपको इग्नइट कर दें और उन सारी बातों को जो गुजरात साल के अंदर हुई हैं उन्हें अपनी जिंदगी में से कट ऑफ करते हुए नए प्लान नए मनसूबे के साथ नए जोश के साथ आज ही से अपने साल का जो है वो आगाज इस तौर से करें कि खुदावंद हर दिन आपकी जिंदगी के अंदर इज्जत और जलाल जो है वो पाए आए अपने सिरों को झुकाते हैं और अपने प्रोग्राम को इब्तदाई दुआ से हम शुरू करते हैं है जलामानी बाप हम तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं और तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं खुदांद खुदा आज साल के इस पहले दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों के अंदर अता किया दो हज़ार बाईस के लिए खुदांद खुदा हम तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं और इस वक्त खुदा जितने खुदांद खुदा व्यूवर्स हमें देख रहे हैं हम सबों के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं खुदांद खुदा और इस सारी ट्रांसमिशन को ख़ुदांद तेरे कुदरत वाले हाथ में देते हैं तेरे खादमीन जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उन्हें पाखरू हम तेरे कवि हाथ के अंदर देते हैं जितनी भी बातें हम खुदांद आपस में करें नाजरीन इन्हें सुनकर बरकत को सरफराजी को हासिल करें और तेरा यसुनाम इज़्ज़त और जलाल पाए मसी के नाम से आमीन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया नाजरीन अभी हम आपके सामने एक बड़ा ही खूबसूरत गीत जो है वो लेकर आ रहे हैं जिसे अगापे सिस्टर ने गाया है शादमान मान इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें प्रेज़ द लॉड हाल नाज़रीन अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसे अगर आप सिस्टर्स आपके सामने पेश कर रही थी शाद मान और इस गीत के अंदर वो आपको मोटिवेट कर रही थी कि हमें मसीह में शाद मान जो है वो होना है गुज्त बातों को कामों को जो हम नहीं कर पाए हमें मसीह के अंदर रहकर जस्तजू करनी है और आगे बढ़ना है हमें आगे जो है वो चलना है अपने आप को मसीह में लेकर बढ़ना है और जब मसीह हमारी ज़िंदगी के अंदर होगा तो हम शाद को ख़ुशी को सरफराजी को है जब वह हासिल करेंगे और ख़ुदांद का नाम आपकी ज़िंदगी के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा और मैं पुराद हूँ खुदा पाखरू से कि ये साल दो हज़ार बाईस का साल आप सबों की ज़िंदियों के अंदर शाद को सुपर नेचुरल रिसोर्स को जो है वो लेकर आए और आप तरक्की इस्लाम और सरफराजी का जो हासिल करें नाज़रीन अभी मैं जल्दी से अपने मेहमानों की तरफ जाना चाहता हूँ, ताकि हम उन बातों को जो पाखरू ने उनके दिल में डाली हैं आपसे शेयर करें हम सभी उसे सुने और बरकत को जब वो हासिल करें तो नाजरीन अभी मैं आपको लिए चलता हूँ अपने मेहमान की तरफ पास्टर जे डीन अशरफ साहब की तरफ और हम उनसे नए साल के तलुक से जो सुनेंगे कि पाखरू किस तरह से उनकी रहनुमाई कर रहे हैं और हम उन बातों को सुनकर बरकत को जब वो हासिल करें so, जी भाई साहब हम चाहते हैं कि जो भी नए साल के ताल्लुक से पाखरों ने आपके दिल में डाला है हमारे नाजरीन से शेयर करें प्रेस दलाट हाल लोहिया सुमसी के पुरफजल नाम में इस वक्त जो फजल टी वी के ग्रेस फॉर आल प्रोग्राम को देख रहे हैं पास्टर अशरफ जडीन का मोहब्बतों भरा बहुत बहुत सलाम पहुँचे और मैं शुक्रगुजार गुजार हूँ खुदा नसी का जिसने ये मुमकिन किया कि आज हम साल के इस आगाज में आपके साथ कलाम की बातों के साथ आ सकें और उन खुशखबरियों को आप तक पहुंचा सकें जिनमें खुशी शाद मानी पाई जाती है उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर इमरान फजल साहब का और इस वक्त जो हमारे आज के आ, होस्टर हैं आ, पास्टर विल्सन साहब जो हर हर दिल अजीज़ हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है उनके साथ आ, साल के इस आगाज़ में बातचीत करते हुए तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ इन सारी बातों के लिए तो आज हम खुदा के कलाम के साथ साथ चलेंगे और ये वाकई भाई विल्सन साहब जो साल का आगाज़ हुआ है हम खुदा की बड़ी शुक्रगुज़ारी पेश करते हैं जी भाई साहब। और मैं समझता हूँ इकतीस दिसंबर जो होता है और साल का आखिरी दिन होता है आखिरी महीने का और इसमें हम खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं रात की इबादत के अंदर जी बिल्कुल और फिर अगले दिन साल का पहला दिन होता है यकम जनवरी होती है और उसके अंदर भी तमाम सही लोग जो हैं खुदांद की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं पिछले सालों के लिए और साल के आगाज़ ही के अंदर खुदा के नाम से मसीह के नाम से दुआ के साथ हम खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं सो मेरे अजीज़ों इस बात के लिए आज हम पलूस रसूल के उन खतूत में से भी अपनी उस बड़ी अच्छी लाइफ के लिए चंद बातों को सुनेंगे और मैं समझता हूँ कि तमाम दुनिया के अंदर बिज़नेस मैन या किसी भी शोबा से लोग ताल्लुक रखते हैं जो आखिरी दिन होते हैं ना साल के उसके अंदर अपना अपने आप को वैल्यूएट करते हैं अपनी लाइफ का जायज़ा लेते हैं अपने बिज़नेस का अपने कामों का हमने क्या खोया और क्या पाया है जी मैं समझता हूँ जो बाशौर लोग हैं ना वो इस बात पर गौर करते हैं हमें क्या करना है क्या हो गया है और क्या हमने फ्यूचर प्लान करना है तो मैं समझता हूँ जहाँ हम दुनिया के अंदर हर चीज़ को मैनेज करते हैं बैलेंस करते हैं नफ़ा नुकसान की बात करते हैं और कोई भी नहीं चाहता कि उसका किसी भी मामला के अंदर नुकसान हो तो इसी तरह से जहाँ हम जिसमानी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए मेहनत करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को जायज़ा में लाते हैं और जो नुकसानदेह होती है उनको छोड़ते हैं उनसे अलग होते हैं और हर काम के अंदर बेहतरी चाहते हैं तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी खुदा की जो ख्वाहिश है वो यही है कि हर शख़्स की तौबा तक नौबत पहुँचे और ये जो साल हमारा गुजरा है इस गुज़रे साल के अंदर बहुत सारे काम हमारे रह गए और रूहानी तौर पर भी हो सकते हैं जिस्मानी तौर पर भी हो सकते हैं और जब हम मसीह यस्सु में शामिल होते हैं तो बड़ा खूबसूरत हवाला है मैं दो हवाला पढ़ करना हवाला जात की तलावत करके एक एक, एक दो दो आयत थे तो मैं आगे चलूँगा इस खूबसूरत प्रोग्राम के अंदर तो दूसरा ग्रंथियों के नाम पालोसूल का जो ख़त है और उसका पाँचवा बाब है और उसकी सतारवीं अठारहवीं दो आयते हैं इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है पुरानी चीज़ें जाती रहीं देखो वो नई हो गई और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की सो खुदा की शुक्रगुजारी है कि खुदा का कलाम हमें चारों तरफ से रहनुमाई देता है चूँकि नया साल और उसका आगाज़ हो चुका है मैं समझता हूँ बड़े प्लान प्रोजेक्ट्स हैं आपके भी हम सब के भी और होने भी चाहिए क्योंकि जो एक अक्लमंद शख्स है वो अच्छे की तो करता है और सोच विचार करता है हर चीज़ का जायज़ा लेता है समझदारी से करता है तो वहाँ पर हम आज रूहानी ज़िंदगी के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे और जो मसीहियत में शामिल हो जाता है जो यस्म मसीह को कबूल कर लेता है मैं समझता हूँ कि वो यकीन हर बात के अंदर अपने आप को परखता है मैंने क्या अच्छा किया है और क्या बुरा किया है और जब हम उसी में शामिल हो जाते हैं सबसे बड़ा फ़ायदे की बात है रोमियों के खत के लिए अंदर लिखे आठवें बाप की पहली याद में बस जो आप मसीह यस्म में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं है तो ये बहुत बड़ी बात है ये सजा कौन सी है ये जैसे आप जन्नत दोज़ह की बात करते हैं और जो शख्स गुनाह में मरता है गुनाह की जिंदगी में रहता है उस पर दूसरी मौत जो है उसका असर है और उसके अंदर जा सकता है यानी जहन्नम के अंदर वो जा सकता है जहन्नम की आग के अंदर जा सकता है तो यसुम सी इसलिए आए मैं और आप यसुम सी पर ईमान ला कर अपने गुनाह से तोबा करके नई जिंदगी में दाखिल हो तो अभी हमने सुना पुरानी चीज़ें जाती रहीं देखो वो नई हो गई जब हम मसीह में शामिल होते हैं तो मसीह ज़िंदगी जो है हमें नया बना देती है हमें नए मखलूक नई पैदाइश के अंदर ले जाती है पुरानी चीज़ें क्या हैं ये गुनालुदा ज़िंदगी है हमारी सोसाइटी जिसमें हमारी रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पर ज़िंदगी होती है और हम गुनाह के साथ दोस्ती करते हैं खुदा के साथ बड़े वादे करते हैं पिछले साल भी हमने सोचा लास्ट जनवरी के अंदर मैं इस साल में इस तरह से खुदा के साथ जिंदगी बसर करूंगा मैं शायद चर्च नहीं जाता पर इस साल मैंने कोई संडे नहीं छोड़ना मैं दुआ नहीं करता मैं हदिया नहीं देता मैं खुदा के घर में नहीं जाता बहुत सारी बातों में हम वादा करते हैं पर शायद हम पूरा नहीं उतरते और इसलिए जहाँ पर हम दुनियादारी को मैनेज करते हैं खूबसूरत बनाते हैं जो पिछले साल हमने नहीं किया वो हम अगले साल में करने की कोशिश करते हैं अच्छी बात है पर मैं आपकी तो ज़िंदगी वो जो मसीह ने दी है उस पर लाना चाहता हूँ पुरानी ज़िंदगी हमारी आ, अदावत की हो सकती है नफ़रत की हो सकती है गुनाह में हो सकती है नशा में हो सकती है इस तरह से ऐसी ज़िंदगी हमें दोजक की तरफ ले जाती है अब खुदा ने हमें नया साल दिया है इस नए साल के अंदर हमें आज जो आ, पैगाम मिल रहा है वो है मेल मिलाप का यसुमसी ने हमारे साथ मेल मिलाप किया खुदा बाप ने हमारे साथ मेल मिलाप किया हम भी आपस में मेल मिलाप की ज़िंदगी बसर करें नफरत को ख़त्म करें जहाँ पर नफरत है वहाँ पर नाकामियाँ हैं जहाँ पर नफरत है वहाँ पर जैलिस स्पिरिट है जगड़े हैं मिसाइल हैं मुश्किल हैं मेरे चीज़ों इस नए साल के अंदर हमने जिसमानी तरक्की भी करनी है और रूहानी तरक्की भी करनी है जो पिछले साल हम नहीं कर सकते अच्छाई के लिए वो हमें करना है सुस्ती से निकलें बार और हम होशियार हों बेदार हों ताकि रूहानी तौर पर भी खुद हम के साथ रहें और जिसमानी तरक्की भी करें और रसूल क्या था जो पिछले साल हम नहीं कर सकते या कर सके हम उस पर फिकर ना करें ऐसी फिक्र कि इस साल में हमें कुछ करने की मुश्किल आए बल्कि हम ऐसी फिक्र करें जो मुसबत है जो पॉजिटिव है कि मुझे कुछ करना है मेरे सामने प्लान प्रोजेक्ट्स है अगर आपने अपने बिज़नेस में कुछ लॉस किया है तो यकीनन इस नए साल में उसको बेहतर करेंगे अगर हमारी रूहानी ज़िंदगी में कोई वीकनेस रही है दुआ में चर्च जाने में हदिया दायकी देने में अपने आप को मेंटेन करने में तो ये साल खुदा ने में दिया है कि हम उन चीज़ों को जो रह गई हैं मुसी यसु में आगे बढ़ने के लिए उन पर तोजो करें और ये ग्रेस फॉर आल जो है और इस तरह के तमाम चैनल्स जो हमारे क्रिश्चियन चल रहे हैं हमें हमें बेदार कर रहे हैं चर्च हमें बेदार कर रहा है कि ये साल हमें आगे बढ़ना है अपने खानदान को आगे लेकर जाना है अपनी सुस्ती को दूर करना है इसलिए आज का मैसेज है कि हम मेल मिलाप के अंदर यस्म की मोहब्बत के अंदर जो मोहब्बतों से बड़ी जिंदगी है उसको अपनाएं और जो पिछले साल तरक्की में नहीं कर सके इस साल हम आगे बढ़ें मेन प्रिस्तुल्ला बहुत शुक्रिया पास्टर अशरफ़ साहब और बड़ी खूबसूरत बातें आपने हमारे नाजरन के साथ जो है वो की हैं न्यू ईयर के तल्ल से कि हमें मसीह के साथ जो चलना है और ख़ास बात जो वो आपके सामने लेकर आ रहे थे कि when वी आर a न्यू creature इन क्राइस्ट के जब हम मसीह में नया मखलूक हैं तो हमारे ऊपर एक ख़ास फ़लल है खुदामंद का जिसके अंदर हम अपने आप को लेकर चलते हैं अगर आप उस फ़ज़ल को अपनी ज़िंदगी के अंदर रेकनाइज करते हैं और उसे अपने शा के अंदर लेकर चलते हैं तो यू कैन डू एवरी थिंग इन क्राइस्ट आप मसीह में सब कुछ जो है वो करते हैं फिर हमें उन बातों के ऊपर सोचने की जरूरत नहीं जो गुजशत साल हम नहीं कर पाए बल्कि हमें मसीह में एक नए जोर को नई प्लानिंग को लेकर आगे बढ़ना है और ट्वेंटी ट्वेंटी टू के ऊपर फोकस करना है कि खुदा इस ईयर में वो काम जो तेरे लिए नहीं कर पाया मैं प्लान करता हूं कि आल डेफिनेटली डू इन दिस ईयर और जब आप मसीह के सामने उन प्लानिंग्स को रखेंगे वो आपको अपनी खास इंस्ट्रक्शंस जो है वो देगा पाकरू जो हम मारा मददगार है तो आपकी जो है वो मदद करेगा आपकी रहनुमाई करेगा और आप यकीन इस साल के अंदर अपना बेस्ट जो है वो खुदांद को पेश करेंगे इस सोच के साथ आज ही के दिन अपने आप को खुदावन के सरेंडर करें उसके सामने झुक जाएं और पहले दिन ही से खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें ताकि खुदावन आपके ऊपर अपने खास फजल को बरकत को सरफराजी को जब वो रखे और आप उसमें तरक्की सलामती और सरफराजी को जब वो हासिल करें सो नाजन अभी वक्त वक्त चाहते हैं हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और गुफ्तगु का यह सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा प्रेस the हाल Hallelujah. वेलकम बैक नाजरिन ब्रेक के बाद हम आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहते हैं और ख़ुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम आपके साथ मिलकर नया साल जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और ख़ुदा उनकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं कि उसने हमारी जिंदगी के अंदर ये दिन बख्शा ताकि हम सभी मिल कर उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और ख़ासतौर पर मैं उन व्यूवर्स को वेलकम करता हूँ जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें अभी ज्वाइन किया है ब्रेक से पहले हम आज के मेहमानों के साथ बड़ी खूबसूरत थे जो थे वो कर रहे थे और पास अशरफ जेडीन साहब ने आपसे बातचीत की और आपकी रहनुमाई की ऊपर देखें आप खुदा के अंदर नया मखलूक है तो फिर अपने राइट्स को जो है वह देखें और खुदाद की बरकत को अपनी जिंदगी के अंदर हासिल करें ताकि खुदा उनका नाम आपकी जिंदगी के अंदर जो है वह इज्जत और जलाल जो है वो पाए और खुदा उनकी खास फेवर आपकी जिंदगी के अंदर हो हम आज न्यू ईयर स्पेशल आपके साथ कर रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल प्लेटफॉर्म के ऊपर और ख़ुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं अपने आप को खुदा उनके साथ लेकर चलें ताकि उसकी ख़ास बरकत आपकी ज़िंदगी के अंदर आपके मामलत के अंदर हो और ख़ुदा पाखरू जो है वो इसी तरह आपकी रहनुमाई करता चला जाए सो so, नाजरीन अभी वक्त हुआ है हम सुनते हैं एक और ख़ूबसूरत गीत जिसे गाया है हाल बैंड ने रहबर आए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें प्रेज़ द लॉर्ड हालिया नाज़रीन अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे रहबर यकीनन यसु मसीह हमारा रहबर है और जब साल के पहले दिन ही आप अपनी लीडरशिप को जो है वो पहचानेंगे और उस पर फोकस करेंगे उसको अपने सामने लेकर चलेंगे तो यकीनन आपका रहनुमा जो यसु मसीह जो आपका रहबर है वो कभी भी आपको गिरने नहीं देगा वो कभी भी आपको खसारे के अंदर आने नहीं देगा बल्कि उसकी हर मुमकिन कोशिश है कि आप नए नई चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर हासिल करें प्रोस्पेरिटी आपकी जिंदगी के अंदर हो एक नया ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ के अंदर हो और आप जिस चीज को भी यस्सु के नाम से छुएं जहां भी अपना कदम रखें यस्सु के नाम से आप फतेह को बरकत को जब वो हासिल करें इस सोच के साथ ट्वेंटी ट्वेंटी टू को अपनी जिंदगी के अंदर लें और बरकत को जब वो हासिल करें कि आप मसीह के अंदर फाते हैं और सब कुछ करने की कुदरत रखते हैं और ये साल आपका बेहतर तरीन साल होगा और खुदा आपकी जिंदगी के अंदर फजल को बरकत का जो हासिल करेगा सो so, नाजरीन अभी हम बातचीत करेंगे अपने दूसरे मेहमान के साथ जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ पास्टर मॉरिस बशीर साहब की सो so, भाई साहब हम चाहते हैं कि आप भी हमारे व्यूवर्स जो इस वक्त आपको देख रहे हैं नए साल के ताल्लुक से जो भी पाखरों ने आपके दिल में डाला है उनसे शेयर करें ताकि साल का पहला दिन जो है हम पाकरू की मामूरी और हजूरी से जो है वो मामूर होकर दलेराना तौर पर जो है वो उसके साथ चलें। थैंक यू सो मच इजाज़ इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए जिसको आप हमेशा कंटिन्यू किए हुए हैं थैंक यू सर। और आ, मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ अपने आ, प्यारे भाई इमरान फजल साहब फजल टीवी की सारी नेटवर्किंग को ब्रॉडकास्टिंग को जो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा चैनल है बरकत का फज़ल का ख़ुदा के कलाम की तशहर का तो ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका खुदा की बादशाही में तो बिलखसूस जितने इस प्रोग्राम को फ़ज़ल टी वी पर देख रहे हैं उन सब को दो हज़ार बाईस नया साल बहुत बहुत मुबारक हो प्रोग्राम का नाम बड़ा ख़ूबसूरत है ग्रेस फॉर ऑल तो जब मैं 2022 को देखता हूँ तो इस साल को जो मेरे दिल पर एक बड़ी मोटिवेशन है वो है फज़ल का साल द ईयर ऑफ ग्रेस फज़ल इसको समझना बहुत ज़रूरी है चूँकि हम एक ऐसे प्रोग्राम को देख रहे हैं जिसका टाइटल है ग्रेस फॉर ऑल ये इट इज़ नाट जस्ट अ प्रोग्राम मैं चाहता हूँ कि हम फज़ल को समझें जो हमारी ज़िंदगी में दस्याब है गुज्त साल भी बड़े चैलेंज रहे मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में हम सब एक ही हैं तो बड़ी मुश्किल बाज़ात आ जाती हैं ख़िदमत में ख़ानदान में बा मुश्किल तो सडन uh, आती हैं जिनके लिए हम तैयार भी नहीं होते हमारे सामने विजन्स हैं गोल्स हैं बच्चे हैं स्टडीज़ हैं और जिस तरह से हमारे मुल्क में सूरत हाल हर रोज़ बदल रही है ना सिर्फ हमारे मुल्क में दुनिया की शक्ल बदल चुकी है और चैलेंजेस इतने बढ़ चुके हैं कि हम बड़ी जल्दी डिस्करेज हो जाते हैं हम समझते हैं कि अब ये मेरे ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि खुदा का फजल फजल के जो मीनिंग ये हैं खुदा की सुपर नेचुरल एबिलिटी उसकी ताकत जो काम हम अपनी ताकत के साथ नहीं कर सकते चैलेंजेस में प्रेशर्स में हो सकता है आप पिछले साल पर अभी तक परेशान हो कि मैंने गोल सेट किए थे लेकिन मैं उसको पूरा नहीं कर सका फाइनेंशियल सूरत ये रही है और स्ट्रेस रहे हैं ये चीज़ें रहेंगी बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ये चैलेंजेस और बड़े होते चले जाएंगे मुश्किल और ज़्यादा होंगी परेशानियाँ और क्राइसिस इस दुनिया में ख़त्म नहीं होगा बल्कि ये और ज्यादा होगा मुकाशफा की किताब हमें कहती है क्योंकि एंटी क्राइस्ट इज गोइंग टू होल्ड दर्ब वर्ल्ड और मसीह जो है वो आने वाला है और हम अखीर दौर में से गुजर रहे हैं हर साल नया साल है नए चैलेंजेस लेकर आता है इस साल भी बड़े नए चैलेंजेस आपको होंगे लेकिन मैं आपको इनकरेज ये करना चाहता हूँ कि इन चैलेंजेस को हम अपनी ताकत से अपने रिसोर्स से अपने ए, अपने और ए, किसी रिसोर्स के साथ नहीं अपनी एजुकेशन के साथ नहीं बल्कि हम इन चैलेंजेस को अगर फेस कर सकते हैं तो वो फजल की ताकत है और वो फ़ज़ल खुदा की सुपर नेचुरल अबिलिटी है जो हर रोज़ दस्तियाब है मैं हवाला मेरे सामने है पढ़ना चाहता हूँ एक दो आयात अगर आप देखें ग्रंथियों का दूसरा खत उसका बारवा बाब है और सातवीं आयत में लिखा है और मुकाशफों की ज़्यादती के बायस मेरे फूल जाने के अंदेशे से मेरे जिस्म में कांटा चुभ होया गया अब यह बात है पालूस रसूल की दोस्ट सक्सेसफुल खादिम कामयाब तरीन ये वो खादि है जिसकी एक दफ़ा तो जेल खाने में जलजिला भी आया लेकिन एक जेल खाना ऐसा था जहां उसका सार कलम कर दिया गया जहां वो फाते की असीयत से एंड तक वो कहता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका मैंने ईमान को महफूज रखा ये वही खादि है जो कहता है जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें यानी उसकी बख्शी हुई ताकत में मैं सब कुछ कर सकता हूं यानी मैं भूखा भी रह सकता हूं उसका कॉन्टेक्स्ट यह है मैं दुख भी उठा सकता हूं बड़े बड़े प्रेशर्स उनको मैं बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन कैसे जो मुझे ताकत बख्शता है एक कम चालीस कोड़े पांच मरतबा इस शख्स को लगे काश अगर हम उसकी कमर चेक कर सकते जब वो इस सूरत हाल को बयान करता है क्रंतियों के खात्मे पिछले ही चैप्टर में जो आप पढ़े उसके दुखों की एक लंबी लिस्ट है लेकिन दिलेर कामयाब कोई ताकत उसको मकलूब नहीं कर सकी इसलिए कि खुदा की सुपर नेचुरल एबिलिटी फजल उसको उठा खड़ा करता रहा दे दे और मुसलसल उसको इस्तेमाल करता रहा यह फजल सिर्फ पालूस के लिए नहीं ग्रेस फॉर ऑल यह हम सबके लिए दस्तियाब है और यही नए साल का मैसेज है तो पलूस यहां अपना एक्सपीरियंस बयान करता जो आज हमारे लिए है और वो कहता है कि मेरे जिसम में कांटा चबोया गया जिसे वो शैतान का कासद कहता है ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं फूल ना जाऊं इसके बारे में मैंने तीन बार खुदावन से इल्तमास किया कि ये मुझसे दूर हो मगर उसने मुझसे कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है अब पालूस कहता है पस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे इसलिए मैं मसीह की खातर कमजोरी में बेइज्जती में एहतियाज में सताए जाने में तंगी में खुश हूं क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं उसी वक्त जोर आवर होता हूं तो यहां पर पलूस का एक जबरदस्त तजर्बा हमें नजर आता है वो तो कहता है मेरे जिस्म में एक कांटा चुभोया गया और इस कांटे को वो क्या कहता है शैतान का कासद यानी ये इस आजमाइश के पीछे इस कांटे के पीछे ब्राय रास्त इबलीस था जो अपनी बदरूहों के साथ अपने लश्करों के साथ पलूस को बदनी दुख दे रहा था ताकि उसको खिदमत में गैर मुसर कर दिया जाए या रोक दिया जाए लेकिन गौर करें शैतान उस कांटे को इस्तेमाल कर रहा था पलूस को खिदमत में रोकने के लिए हम नहीं जानते ये कांटा क्या है यह कोई फिजिकल बीमारी थी पेन थी जो उसके साथ रही लेकिन कलाम कहता है वो कहता है कि ये शैतान का कासद है मैंने और फिर वो कहता है मुकाशफों की ज्यादती के बायस मेरे फूल जाने के अंदेशे में आप गौर करें पालूस रसूल एक ऐसा खादम था जिसको सबसे ज्यादा मुकाशफे मिले बल्कि ये बार में बाप का आगाज पड़े वो अपना नाम नहीं बताता लेकिन वो यका यक तीसरे आसमान तक जाने के तजर्बे को भी बयान करता है ये खुद पालूस था लेकिन वो कहता है कि शैतान उस कांटे को इस्तेमाल कर रहा था उसको गैर मुसर करने के लिए खुदा उस कांटे को इस्तेमाल कर रहा था कि पालूस फूल ना जाए गौर करें ताकि मुकाशवों की जाति के बायस उसको अपनी वीकनेस जो है उसका एहसास रहे लेकिन यहां पर गौर करें खुदामंद से वो तीन मरतबा दुआ करता इल्तमास की ऐ खुदावन, ये बीमारी ये कांटा मुझसे दूर हो लेकिन दुआ का जवाब कैसे मिला खुदा ने वो कांटा दूर नहीं किया कांटा नहीं। वही रहेगा क्योंकि उस कांटे के पीछे खुदा का एक मकसद था और सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं वो कांटे के पीछे मकसद था कि पालूस गुरूर से बचा रहे बाजुकात कई आजमाशें कई मुश्किल कई कांटे जब तक हम जमीन पर हैं ये हमारे साथ रहेंगे क्योंकि खुदा का खास मकसद है लेकिन फजल भी साथ रहेगा कि हम उस कांटे को बर्दाश्त भी कर सकें तो पालूस कहता है मैंने तीन मरतबा इसके लिए दुआ की और जवाब क्या मिला मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है मेरी कुदरत तेरी कमजोरी में हम कमजोर हैं हम बाजुकात सोचते हैं ये कैसे होगा हम अपनी लिमिटेशंस को अपनी कमजोरियों को जानते हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इस नए साल में कमज़ोरियाँ भी हैं कांटे भी हैं चैलेंजेस भी हैं मुश्किल भी हैं इसके बावजूद हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि उसका फजल है जो हमें ताकत देता है जो हमें उठाता है और जो हमें हमारे गोल्स और हमारे प्लान्स और हमारे उन तमाम चीज़ों में हमें कामयाबी बख्शता है और वो खुदा का फज़ल है और मेरी दुआ है कि इस साल आप शख्सी तौर पर खानदानी तौर पर कलेसियाई तौर पर खुदा के फज़ल को एक्सपीरियंस करें गॉड ब्लेस यू रईज़त लाड हालिया बहुत शुक्रिया पास्टर और बड़ी खूबसूरत बातें आपने हमारे नाजरीन के लिए जो है वो पेश की कि इस नए साल के अंदर हमें किस तरह से अपने आप को लेकर चलना है और नाजरीन खुदा उनके खाद आपके सामने इस बात को रख रहे थे स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि हमारी ज़िंदगी के अंदर दुख तकलीफ़ जो परेशानियाँ जो हैं ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं और हमें इससे परेशान जो है वो नहीं होना लेकिन जो बात हमारे जहन के अंदर होनी चाहिए कि उसका फ़ज़ल हमारे लिए ट्वेंटी फोर आवर्स है वो मौजूद है और आप उस फजल को लेकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ें अपने मामला के अंदर देखें ताकि खुदा का जलाल जो है वो आपकी जिंदगी के अंदर जाहिर हो और कभी भी इस तरह की सिचुएशन के अंदर परेशान ना हो अपने आप को हारे हुए ना समझें मत अपने आप को कमजोर समझें क्योंकि जब परेशानी तकलीफ दुख हमारी जिंदगी के अंदर आता है तो हमेशा याद रखें उसके वादे को कि उसने कहा है, तुम्हारा दिल ना घबराए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं मसीह को अपने साथ उस दुख के अंदर भी देखेंगे तो वो दुख आपके लिए बरकत का सबब बनेगा सरफराजी का सबब बनेगा और उस दुख में से भी आप मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देने वाले जो शख्स जो हैं वो बनेंगे और खुदा जो है वो होगा हमेशा अपने आप को इस तौर से जो है वो लेकर चलें और इस साल के अंदर अपने आप को रूहानी तौर पर ऐसा मजबूत मसीही बनाएं कि दो हजार बाईस का साल आपकी जिंदगी का बेहतरीन साल स्पिरिचुअली आपकी जिंदगी के अंदर खिर हो कलाम के ऊपर फोकस करें पाकरू की फेलोशिप को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर चलें खादमीन की फेलोशिप के अंदर बैठें कलिसियाओं को मजबूत करें फैमिली को मजबूत करें बच्चों के ऊपर ख़ास फोकस करें उनकी रूहानी ज़िंदगी के ऊपर के वो किस तरह से चल रहे हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि नया साल जो दो हज़ार बाईस का है इसको इस तरह से प्लान करें कि ये आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन साल हो क्योंकि हमारे पास जो है वो कलाम हमें बताता है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है ये सुमसी किसी भी वक्त किसी भी साल के अंदर किसी भी महीने के अंदर उनकी सेकंड कमिंग जो है वो हो सकती है इसलिए हमें हर वक्त तैयार रहना है उन दस कुमारियों की तरह नहीं बल्कि जो उनमें से बेस्ट थी आप अपने आप को उस तरह से जो है वो लेकर चलें उन पांच कुमारियों की तरह जो हर रोज़ अपने चिराग को जो है वो देखती हैं उसको फिलअप करती हैं इस उम्मीद के साथ कि दुल्हा आज ही आ जाएगा आप भी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को अपने घरने को अपनी कलिसिया को इस तरह से इस साल के अंदर लेकर चलें कि अगर इस साल 2022 के अंदर रैप्चर हो तो हम पीछे रहने वाले ना हो बल्कि हम भी के भी साथ शामिल होकर मसीह का इस करने वाले हम आपको इस से करना चाहते हैं अभी वक्त हुआ चाहता है हम आपके लिए दुआ करेंगे आपके उन दरख्वास्तों के लिए जो मैसेज के जरिए हम तक पहुंची हैं और आपके लिए बरकत चाहेंगे सभी स्टूडियो में हम मिलकर आपके लिए शिफायत करेंगे खुदावन 2022 हजार का साल तमाम व्यूवर्स के लिए तमाम दुनिया के लिए जो है वह बाईस बरकतों आएं अपने सिरों को झुकाएं और खुदा उनके सामने हम इस दरख्वास्त को जो है वह रखेंगे है जिंदा जलाल आसमानी बाप देख मैं तेरा खादम होता हुआ खुदांद खुदा और ख़ादमी के साथ मिलकर तेरे प्यारों के लिए जो इस वक्त हमें फजल टेलीविजन के ऊपर देख रहे हैं खुदांद खुदा आज नया साल है खुदांद खुदा दो हज़ार बाईस का पहला दिन तो खुदांद हम पहले दिन ही से खुदा तुझे अपनी जिंदगी के अंदर वेलकम करते हैं खुश आमदीद कहते हैं और तुझे इख्तियार देते हैं कि खुदांद तो हमारी जिंदगी का हमारे मामलों का हमारे घरानों का हमारी कलिसियाओं का मालिक है खुदांद खुदा हम तेरे पीछे चलना चाहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जब तू हमारी रहनुमाई करता है खुदावंद खुदा तो, तो खुदावंद खुदा हमारे सामने से दरियाओं को समुंदरों को चीर डालता है खुदावंद खुदा और हमें इस तौर से लेकर चलता है कि खुदावंद खुदा कोई भी खुदावंद खुदा तीर जो हमारे खिलाफ तैयार किया गया खुदांद वो हमें छूने ना पाए उन खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी रहनुमाई के लिए उन खुदा मैं तेरे प्यारों के लिए तेरी बरकत को सलामती को सरफराजी को चाहता हूँ उन और दो हज़ार बाईस का साल इन सबों के लिए उन खुदा बेदारी का साल हो खुदांद रूहानी बरकतों को हासिल करने का साल हो खुदांद खुदा स्परिचुअलीप्ड हों खुदा खुदा कलाम की समझ बूझ हकमत को हासिल करने का साल हो खुदांद खुदा और इस साल में खुदाद हम तेरे लिए खुदा खुदा कुछ करने वाले हों खुदा खुदा ताकि हम बहुतों को खुदा खुदा जो इस वक्त खुदांद खुदा भटक रहे हैं खुदांद है। खुदा जो इस वक्त तेरी पहचान से दूर हैं खुदांद खुदा उनको खुदा, तेरी तेरीबत के अंदर लाने वाले हों खुांद खुदा उन्हें तेरी पहचान के अंदर लाने वाले हों खुदा खुदा ताकि तेरा यस्ु नाम इज़्ज़त और जलाल पाए खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते कि तूने हम सभों को ये दो हज़ार बाईस का साल बख्शा है हम इसमें तेरे नाम को ऊँचा करते हैं तुझे ग्लोरीफाई करते हैं खुदांद और तेरी शुक्र गुजारी करते हैं खुदा इसी तरह खुदाम हम प्यारे वतन मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को सलामती को सरफराजी को चाहते हैं खुदांद खुदा यह मुल्क तेरे कुदरत से खुदांद खुदा तेरे फजल से तरक्की पाए हर तरह की ऐसी बात को सोच को खुदांद खुदा जो तेरे लोगों के खिलाफ खुदांद उठने की कोशिश करते हैं हम उसे तेरे यस्सु नाम से नेस्त और नाबूद करते हैं खुदांद खुदा ये मुल्क खुदा खुदा अम का गहवारा हो मेल मिलाप यहाँ पर हो खुदा खुदा हम मसी मोहब्बत को बांटते हैं खुदांद इस मुल्क के अंदर खुदांद खुदा हम तेरी पहचान को इस मुल्क के अंदर लेकर आते हैं खुदांद खुदा और ये मुल्क तेरे फजल से खुदा खुदा तरक्की सलामती को हासिल करे खुदा खुदा और तेरा जलाल इस मुलक के अंदर झाकिर हो हम खुदा खुदा अला हकूमतों के लिए अदलिया के लिए पाक अफवाज के लिए इंटेलिजेंस अदारों के लिए खुदा तेरी बरकत को सलामती को सरफरा राजी को चाहते हैं खुदा और तेरा यस्सु नाम इज़्ज़त और जलाल पाए खुदा खुदा इसी तरह खुद हम तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए सिस्टर महविश इमरान के लिए उनकी फैमिली के लिए सारी खिदमत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा खुदा और यह दो हजार बाईस का साल तेरे खादम के लिए तरक्की का सलामती का बरकत का साल हो खुदा खुदा और तेरा जलाल उनकी जिंदगी के अंदर जकििर हो खुदा और इसी तरह खुदा धाम फजल टेलीविजन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं सारी टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते

आमीन आमीन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया नाजरीन अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है मैं अपने मेहमानों से इजाज़त चाहूंगा पास्टर मॉरिस बशीर साहब आपका थाँग शुक्रिया थाँग थाँग कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए पास्टर अशरफ जेडिन साहब आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए और साल के पहले दिन ही आपने हमारे व्यूवर्स को जो है वो बरकत बख्शी है इग्नाइट किया है कि किस तरह से हमें इस साल में अपने आप को रूहानी तौर पर लेकर चलना है नाजरीन आप भी अपना ख्याल रखिएगा और साल के पहले दिन he said, फेलोशिप के अंदर चलें पाखरू के साथ कलाम के ऊपर फोकस करते रहें ताकि ये साल आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन साल हो और खुदावंद इस साल में आपको बरकत सलामती और सरफराजी जो है वो अता करें हमारी सारी टीम की तरफ से फजल टेलीविजन की तरफ से आप सबों को नया साल एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो और खुदावंद इस साल में आपको कसरत की बरकत अता करें हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ नए मेहमानों के साथ तब तक देखते रहेगा प्रोग्राम Grace for all. God bless you all and Pakistan, Zindabad. Zindabad.